हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ओल्ड टिप्स। आज की इस वीडियो में आपको इस वीडियो के एडिटिंग के बारे में बताने वाली हूँ। आजकल ऐसा वीडियो टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो आपको भी इस वीडियो को जरूर बनाना चाहिए और अपने टिकटॉक आईडी पे अपलोड करना चाहिए। तो इस वीडियो को अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप लास्ट तक नहीं देखते तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको काइन मास्टर ओपन करना है। अब आपको यहाँ प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। फर्स्ट वाला ही साइज सिलेक्ट कर लेना है। मीडिया वाले ऑप्शन पे जाना है। बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। ब्लैक कलर का बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है। इसके ड्यूरेशन को हमें बढ़ा लेना है। लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है और टेक्स्ट पे क्लिक करना है। और जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो लिख लें। जैसे मैं लिख रही हूँ, एग्जाम्पल के लिए विश यू। आप किसी का नाम भी लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे ओके करना है। फॉन्ट वाले पे जाना है। इसे पहले बड़ा कर लेते हैं। कोई सा भी एक फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है जो आपको पसंद हो। इसका वाइट कलर ही रहेगा, कलर हम चेंज नहीं करेंगे। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा आगे करना है, इतना ही। अब इतने पे रोक के यहाँ पे क्लिक करके कैंची वाले ऑप्शन पे जाना है। ट्रिम टू राइट कर देना है। दोबारा लेयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे, विश यू हैप्पी होली, हैप्पी होली लिखना है। अब आपको इतना लिखने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। अब फॉन्ट वाले पे जाना है। जो फॉन्ट आपको अच्छा लगता है वो सिलेक्ट कर लेना है। मैंने वाला सिलेक्ट कर लिया है। इसको खींच के बड़ा कर लेना है इस तरीके से। इसमें भी हमें कोई कलर एक्सचेंज नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, यहीं पे लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है। फिर मीडिया पे जाना है और एक स्मोक इफेक्ट वाला आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर लेना है। और आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इसे फुल साइज कर लेना है। आप देख सकते हैं वाइट कलर का स्मोक है। तो पहले तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और स्क्रीन वाले ऑप्शन को ऑन कर देना है। इससे स्मोक और टेक्स्ट दिखने लगेगा आपका। लेकिन इसमें कलर आप कैसे चेंज करना है मैं आपको बता देती हूँ। लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मीडिया में जाना है। बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, वाइट कलर का बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक करके इसे फुल साइज कर लेना है। इस पर ही क्लिक करेंगे, कलर वाले पे जाएंगे, इस वाइट वाले पे, और जो आपको कलर पसंद हो वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने रेड कलर सिलेक्ट कर लिया है, राइट पे क्लिक कर देना है और आपको अब नीचे स्क्रॉल करना है। ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपको ये वाला ओवरले वाला ऑप्शन ऑन कर देना है। तो ये देख सकते हैं आपका ये स्मोक का कलर चेंज हो चुका है। तो ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट लगेगा, इसमें आप कोई से भी कलर चेंज कर सकते हैं। अब आपको यहीं पर क्या करना है, इस वाले स्मोक वाले वीडियो पर क्लिक करके कैची वाले ऑप्शन पर जाना है और इसे ट्रिम टू राइट कर देना है। और इसी वाले वीडियो पे क्लिक करना है थ्री डॉट पे और फिर डुप्लीकेट लेयर बना लेना है और इस वाले लेयर को हमें खिसका के इस साइड ले आना है। अब आपको दोबारा से लेयर वाले ऑप्शन पे जाना होगा और मीडिया में जाना है और बैकग्राउंड पे जाके आपको वाइट कलर का ही बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है और इस कलर वाले पे आ जाना है और फिर से आपको जो कलर पसंद हो वो सिलेक्ट कर लेना है। अपनी मर्जी से कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया है। फिर राइट वाले पे जाना है और आपको यहाँ पे क्लिक करके इसे फुल साइज कर लेना है और इस पर ही क्लिक करके आपको ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे जाना है और ओवरले का ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लिक कर देना है। और ये रेड वाले का एक्स्ट्रा पार्ट है तो इस पर कैची वाले पे क्लिक करके इसको कट कर देंगे। तो देख सकते हैं आपका वीडियो एकदम बन के रेडी हो चुका है। और आपको यहाँ पर क्लिक करना है, इसे थ्री डॉट पर क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट कर लेना है। इससे स्मोक का कलर चेंज हो गया था तो ये दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। अब मैं इसे प्ले करके दिखा देती हूँ। तो देख सकते हैं आपका वीडियो एकदम बन के रेडी हो चुका है परफेक्ट तरीके से। तो इस तरीके से आप किसी को मैसेज कर सकते हैं, होली आने वाला है तो किसी को व्हाट्सअप मैसेज या अपने पर्सनल कुछ भी चीज़ लिख के किसी को टेक्स्ट कर सकते हैं। ये नेम आर्ट वीडियो है तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एक्सपोर्ट।
तो इस तरीके से आप ये वाला वीडियो एडिट कर सकते हैं। वीडियो बनाना बहुत ही ईजी था, तो आप भी इस वीडियो को जरूर बनाएं, क्योंकि आजकल ऐसा वीडियो टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दे, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।